भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र के किशोर सिंह का पूरा का मामला है, जहां पर भिंड विधायक जो कि बाढ़ प्रभावित गांवों के दौरे पर थे और उनको पहले से सूचना मिल रही थी कि उमरी के रास्ते रेत का अवैध परिवहन फर्जी रॉयल्टी से हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पावर मेक कंपनी एवं माइनिंग पर सवालिया प्रश्न खड़े कर रहा है। जबकि बरसात में भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस के द्वारा रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है, बावजूद इसके गोहद के गुरीखा रॉयल्टी पर अजनाथ से रेत भरकर उत्तर प्रदेश की ओर ओवरलोड परिवहन किया जा रहा है। यह बात ट्रक ड्राइवरों ने स्वीकार की है। फिलहाल जब जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जहां पर भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा से मोर्चा संभालते हुए मौके पर जाकर 12 ट्रकों को पकड़कर भिंड एसडीएम उदय सिंह सिकरवार को सूचना दी, जिस पर एसडीएम उदय सिंह सिकरवार ने उमरी थाना प्रभारी विनय सिंह तोमर एवं पुलिस बल को साथ में लेकर रेत से भरे अवैध और ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा है। दरअसल सूचना प्राप्त हुई थी कि गाड़ियां जा रही हैं और कंपनी के द्वारा फर्जी रॉयल्टी काट के गाड़ियों को निकाला जा रहा है, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर अपने श्रीमान एसडीएम महोदय के साथ में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? एसडीएम के थ्रू कार्रवाई की जा रही है, साथ में अपना पुलिस फोर्स भी मौजूद है, उमरी पुलिस फोर्स, तो साथ में जो भी वैधानिक कार्रवाई होंगी वो की जा रही है। देखिए, आज देर शाम आज माननीय विधायक भिंड श्री संजू जी के द्वारा एक शिकायत हमारे को दी गई थी और उसमें उन्होंने बताया कि रॉयल्टी कहीं की है और ट्रक भर कहीं से रहे हैं और हमने यहाँ पर आकर ये ढोंचरा के पास किशोर सिंह का पुरा है, यहाँ हमने लगभग 11 से 12 ट्रकों को रॉयल्टियों को चेक किया और वो सारी की सारी रॉयल्टियाँ गुरीखा गोहद से कटी थी। ड्राइवरों से हमने जब तस्दीक करी और उनसे पूछा तो उनने अपने कथन में बताया कि उन्होंने अजनार लाहार से और मटियावली रोन से जी इन ट्रकों को लोड किया है जी और रॉयल्टियां इनको गोहद गुरीखा की दी गई हैं जी। अब हमने इन सभी ट्रकों को जब्त कर लिया है और इन पर हम कार्रवाई कर